ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की एक बेटी ने जो हौसला जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। वो बेटी बाल विवाह के विरोध में खड़ी हुई, उसके रास्ते में तमाम मुश्किलें आईं, उसे अपने ही माँ बाप के गुस्से का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं और आखिरकार जीत उसकी हुई। उस लड़की ने न सिर्फ बाल विवाह को रुकवाया बल्कि अब वो उसी की तरह कई लड़कियों के लिए एक मिसाल भी बन गई है। हाथों में कलम, आंखों में सपने और चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज लिए ये है मंदसौर की नेहा कछावा। 17 साल की नेहा भले ही दिखने में आम लड़कियों के जैसी ही है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का गजब का हौसला नेहा को साधारण लड़की से असाधारण बनाता है। वो हौसला जिसके दम पर नेहा ने बाल विवाह का विरोध किया, अपनों का विरोध किया। दरअसल साल 2011 में नेहा के घर वालों ने नेहा का बाल विवाह कर दिया और फिर 4 साल बाद यानी कि 2015 में इसे ससुराल भेजना चाहा, लेकिन बुलंद इरादों वाली नेहा ने इनकार कर दिया। मैं 7th कक्षा में पढ़ती थी तब मेरा बाल विवाह हो गया था और मतलब मैं ससुराल नहीं गई थी। इसके बाद में अभी 2015 में मेरी मतलब अभी जच्चा माता आती है उस पर मेरे घर वालों ने मेरे को ससुराल भेजना चाह रहे थे, तो मैंने जाने से इनकार कर दिया था। इसलिए फिर उन्होंने जबरदस्ती भी करी थी भेजने के लिए, तो फिर मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल किया था। फिर वो मेरे घर पर आए और उन्होंने मेरी हेल्प करी, वहाँ स्थिति कोतवाली में ले गए। फिर वहाँ से महिला सशक्तिकरण वाले और साइलेंट वालों ने सभी मेरी मदद करी और मुझे महिला आश्रय में रखा गया था। अपनी हिम्मत और चाइल्ड लाइन की मदद से नेहा ससुराल जाने से तो बच गई, लेकिन इस मासूम के इनकार ने इसके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। नेहा से नाराज उसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आश्रय लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। मम्मी से तो बात भी होती है, मतलब वो भी बात नहीं करते हमसे, मतलब पूरा परिवार ही नहीं करता है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आगे पुलिस में जाना चाहती हूँ। अपना बाल विवाह होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, चाइल्ड लाइन को प्राप्त हुई थी और हमने उस बालिका के घर पे पहुंच के उसे हमने वहां से लेके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके बाद बाल कल्याण समिति के द्वारा महिला सशक्तिकरण को ये आदेश पारित किया गया कि बालिकाओं के समस्याओं की उसके देखरेख की सुरक्षा करें। सरकारी मदद से नेहा ने अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और अब अदालत ने नेहा के बाल विवाह को शून्य मान लिया है। 7 महीने तक वो हमारे यहाँ महिला आश्रय में रही, उसका बाल विवाह शून्य कराने का आवेदन हमने सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। सक्षम न्यायालय में सुनवाई के दौरान लड़का पक्ष की तरफ से भी सहमति बाल विवाह शून्य कराने के लिए हो गई है और न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई यहाँ पूर्ण हो चुकी है। अति शीघ्र ही हमें बाल विवाह शून्य का आदेश प्राप्त है। बाल विवाह के विरोध में नेहा ने जो आवाज उठाई है वो आवाज तमाम उन लड़कियों के लिए भी एक सीख है जो आज भी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर बाल विवाह करने को मजबूर हो जाती है। नेहा की सभी लड़कियों को यही सलाह है कि वो बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाएं। अपने बुलंद हौसले से मिसाल बनी नेहा को अब अपने सपने पूरे करने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। उसे सरकारी सम्मान का प्रमाण पत्र जरूर मिला है, लेकिन बाल विवाह का विरोध करने पर मिलने वाली 50,000 की सरकारी प्रोत्साहन राशि अब भी सरकारी फाइलों में ही उलझी है। हालांकि नेहा फिर भी खुश है कि उसने बाल विवाह का विरोध करने की हिम्मत की और अपनी इसी हिम्मत के बलबूते अपने सपनों की अकाल मौत नहीं होने दी। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।